गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम ड्राइंग करेंगे ह्यूमन फिगर इन एक्शन। जैसे अभी मेरे को ड्रॉ करना है एक लड़का स्कूल जाते हुए। देखो तो लड़के के लिए मैंने कैसे प्रोपोर्शन लिया है, उसके सिर के लिए गोल, उसके नीचे वाले बॉडी के लिए थोड़ा सा स्क्वायर शेप, और उसके दो पैरों के लिए वापस थोड़ा सा स्क्वायर शेप। देखो अब किस तरह से यू हैव टू टेक अ प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू द यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। आपको अगर भागता हुआ बच्चा करना है उस हिसाब से आपको पहले उसका मार्किंग कर लेना चाहिए, उसका प्रोपोर्शन ले लेना। देखो अभी उसके बाद उसके हाथ में बैग है, तो मैंने उसके हाथ के लिए लाइन ड्राइंग कर ली, उसके पैरों के लिए हल्का हल्का सा शेप दे दिया, ताकि हमको आइडिया आए कि मेरा इस पेपर में मेरा ड्राइंग कितना आएगा और पीछे की साइड में दूसरा और क्या कर सकता हूँ। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, मुँह बड़ा हो गया, शरीर छोटा हो गया, पैर लंबे हो गए, हाथ छोटे हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट यू हैव टू टेक अ प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू द यूअर पिक्चर। देखो किस तरह से मैंने हल्का हल्का ड्राॅइंग, एंड यूज़ अ लाइट पेंसिल फॉर ड्राॅइंग। फिर रब करते हो पेपर फट जाता है, गंदा होता है, पहले हल्के हाथ से ड्राॅइंग कर लो। अगर आपको अच्छा लगता है, प्रोपोर्शनेट है, उसको धीरे धीरे डार्क करो। फॉर दैट यू कैन यूज HB पेंसिल फॉर ड्राॅइंग एंड 6B फॉर द शेडिंग। देखो अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल किया, उसके हाथ बनाए, उसका मुँह बनाया, उसकी शर्ट, उसकी हाफ पैंट, उसके जूते, देखो किस तरह से बनाए। डार्क अभी नहीं करना है, जब आपको लगता है कि ड्राइंग अच्छा है तब आपको डार्क करना है। देखो ये थोड़ा और उसको हल्का सा डिटेलिंग किया, उसके बाल बनाए, उसकी आंखें बनाई, उसका चेहरा बना, उसकी टाई यूनिफॉर्म, उसके बैग बना, देखो किस तरह से। देखो आप देख रहे हो पूरा डिटेलिंग किया है और ड्राइंग को थोड़ा डार्क किया है मैंने, जहाँ पर शेडिंग वहाँ पर शेडिंग भी की है। देखो अब ये ड्राइंग आपका पूरा हो गया। सी द शेडिंग, जहाँ पे डार्क शेड दिख रही है आपको वहाँ पर थोड़ा शेडिंग किया है टू गिव द हाईलाइट एंड डेप्थ। अंडरस्टूड? ट्राई दिस एंड सेंड टू मी। थैंक यू।